नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पुराना और विख्यात विश्वविद्यालय माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने करी थी। यह विश्वविद्यालय बिहार के पटना जिले से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। माना जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय 120 हेक्टेयर में फैला हुआ था, जिसमें से केवल 10% ही खोदकर बाहर निकाला जा सका है, जबकि इसका बाकी बचा हुआ 90% हिस्सा अभी भी जमीन के नीचे दबा हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले ज्यादातर छात्र विदेशी थे, जो कि कोरिया, जापान, चीन, इंडोनेशिया, श्रीलंका और टर्की जैसे अन्य देशों से आते थे। उस वक्त विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र पढ़ते थे, जिनके लिए 2,000 शिक्षक नियुक्त किए गए थे। यह विश्व का पहला ऐसा विश्वविद्यालय था जिसमें पढ़ने के साथ साथ छात्रों के रहने का भी इंतजाम था। नालंदा विश्वविद्यालय का छात्रावास 3 अलग अलग मंजिलों में बटा हुआ था, जिसमें सबसे नीचे नए छात्र तथा बीच वाले में पुराने और सबसे ऊपर वाली मंजिल में स्कॉलर्स रहते थे। मशहूर चीनी यात्री हेनसांग भी 1 साल तक इसी विश्वविद्यालय में रहे। नालंदा विश्वविद्यालय का 9 मंजिला पुस्तकालय 3 भागों में बटा हुआ था, जिनका नाम था रत्नोदति, रत्नसागर और रत्नरंजक। इतिहासकारों की माने तो इस विशाल पुस्तकालय में करीब 90 लाख पुस्तकें और हस्तलिपियां मौजूद थी, जो कि अब जलकर खाक हो चुकी हैं। बताया जाता है कि हेनसांग ने जब इस पुस्तकालय को पहली बार देखा तो वो भी इतना बड़ा पुस्तकालय देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उसने अपने जीवन में इतनी सारी पुस्तकें एक साथ कभी नहीं देखी थी। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाने वाले विषयों में फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, साइंस, मेडिसिन, रिलीजन के साथ साथ कई अन्य विषय भी शामिल थे। हेनसांग ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि समस्त आचार्यों में से केवल राहुल श्रीभद्र ही ऐसे थे जिनको हर विषय में महारत हासिल थी। दोस्तों, अब सवाल यह आता है कि इतने बड़े विश्वविद्यालय को किसने और क्यों नष्ट किया? क्या कारण रहा कि इतना भव्य और विशाल विश्वविद्यालय पल भर में नष्ट हो गया? तो हम आपको बता दें कि ये नापाक हरकत टर्की के मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी द्वारा की गई थी। खिलजी का यह हमला इतना भयानक था कि उस हमले से बचने के लिए नालंदा का शासक अपनी जान बचाने के लिए तिब्बत में जा चुका। इतिहासकारों की माने तो नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने की जो वजह बताते हैं, उसके अनुसार बताया जाता है कि एक बार खिलजी बहुत बीमार पड़ गया था। तमाम हकीम काफी दिन उपचार करने के बाद भी उसे ठीक न कर पाए। तब उसे नालंदा के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र जी से उपचार कराने की सलाह दी गई। खिलजी ने आचार्य राहुल श्रीभद्र जी को बुलवाया और इलाज करने से पहले आचार्य को बताया कि वह कोई भी हिंदुस्तानी दवाई का सेवन नहीं करेगा और उसके बाद भी अगर वह ठीक नहीं हुआ तो आचार्य का सर धड़ से अलग कर देगा। यह सोचकर आचार्य राहुल श्रीभद्र गहरी सोच में पड़ गए और कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने खिलजी की सारी शर्तें मान ली। अगले दिन वह खिलजी के पास कुरान लेके पहुंचे और बोले कि इससे जितना हो सके पढ़िए, मैं दावा करता हूँ कि आप पहले से बेहतर हो जाएंगे। दरअसल राहुल श्रीभद्र जी ने कुरान के पन्नों में दवा का लेप लगा दिया था और खिलजी थूक लगा लगा कर कुरान के पन्ने पलटता गया। कुछ ही दिनों में वह ठीक हो गया। पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद खिलजी ने अपने हकीमों की बेइज्जती महसूस करी और उसे उस हिंदुस्तानी आचार्य से जलन होने लगी। तब खिलजी ने सोचा कि यदि मैं उस विश्वविद्यालय को ही नष्ट कर दूं तो हिंदुस्तान से ज्ञान की जड़ें हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ फेंकूंगा। बताया जाता है कि जब खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को आक्रमण कर जलाया गया तो लगातार 6 महीनों तक इसका पुस्तकालय जलता रहा। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका पुस्तकालय कितना बड़ा और विशाल रहा होगा। दुर्भाग्यवश नालंदा यूनिवर्सिटी पूरी तरह जल के बर्बाद हो गई और उस समय उन लोगों द्वारा की गई खोज और मेहनत पूरी तरह से बेकार हो गई। जानकारों का यह भी मानना है कि कुछ अध्यापक और बौद्ध भिक्षुओं ने कुछ दुर्लभ पुस्तकें अपने कपड़ों में छुपाकर अपने साथ तिब्बत को ले गए, जिससे इन लिपियों और पुस्तकों को बचाया जा सके और आगे चलकर इन्हीं दुर्लभ लिपियों और पुस्तकों ने तिब्बत को बौद्ध धर्म के केंद्र में परिवर्तित कर दिया। खिलजी द्वारा किए गए इस हमले ने
इस विश्वविद्यालय को पूरी तरह बर्बाद करके रख दिया, जिस कारण इसे दोबारा से स्थापित नहीं किया जा सका। आज नालंदा यूनिवर्सिटी के कुछ ही अवशेष बाकी रह गए हैं, जिसे सरकार ने एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बना दिया है। हजारों लोग देश और विदेश से इस नालंदा विश्वविद्यालय को देखने आते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की गरिमा को जिंदा रखने के लिए सरकार इसका 160 हेक्टेयर का विद्यालय परिसर तैयार कर रही है, जो कि वर्ष 2023 में पूरा होने की संभावना है। विद्यालय तो बन जाएगा, लेकिन वह ज्ञान जो इस नालंदा विद्यालय में बच्चों को दिया जाता था, शायद ही वह अब भविष्य में देखने को मिले। तो दोस्तों, ये था नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। अगर आपके मन में नालंदा से जुड़े कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिए। मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।